शो दोस्तों, इतने दिन से ऑफिशियली ट्राई के तरफ से मतलब टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के तरफ से हमको हर एक टेलीकॉम कंपनी का इंटरनेट स्पीड देखने के लिए मिलते थे और ऑफिशियली वो अनाउंस होते थे ट्राई के तरफ से ही। लेकिन दोस्तों, कुछ ही दिन से ट्राई के साथ बहुत सारा बातचीत हो रहा था कि ट्राई ने जो इंटरनेट का स्पीड हम लोगों के साथ पब्लिश करते हैं वो बिल्कुल गलत है। हाँ दोस्तों, ये सीओ एआई ने कहा और हर एक टेलीकॉम ऑपरेटर ने कहा कि ट्राई ने जो इंटरनेट स्पीड दिखाते हैं टोटली मैनिपुलेट पॉलिसी है, मतलब जो ट्राई को पैसा देते हैं ज्यादा उसी को ही रखते हैं आगे और जो पैसा नहीं देता है उसको ले जाते हैं पीछे। तो इसके लिए ही दोस्तों ट्राई के साथ बहुत बार मीटिंग हुआ और दोस्तों आज ही फाइनली ट्राई के साथ सीओ एआई का मीटिंग हुआ और उधर ही दोस्तों सीओ एआई ने फाइनली अनाउंस किया कि नहीं, अब से जो सारा इंटरनेट का स्पीड निकल के आएगा वो इंटरनेट का स्पीड देखेगा ओकला नाम का एक स्पीड टेस्ट कंपनी। हाँ दोस्तों, खैर आप जानते हैं ओकला एक स्पीड टेस्ट का कंपनी है जो बहुत ही ट्रस्टेड है और ग्लोबली टेस्ट करते हैं ओकला। और दोस्तों उसी के ही तहत आज वोडाफोन आइडिया यानी कि वी ग्रुप के तरफ से, एयरटेल के तरफ से और जियो के तरफ से बहुत ही बढ़िया स्पीड टेस्ट का रिपोर्ट हमारे सामने निकल कर आया है। दोस्तों ये वीडियो हो रहा है बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही नॉलेजेबल, आपको सब कुछ जानना है तो ये वीडियो जरूर आपको आखिर तक देखना ही होगा। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्यामदीप, हमेशा की तरह दीप टेक टॉक यूट्यूब चैनल का और एक बिल्कुल फ्रेश नया एंड एवर एक्साइटिंग एपिसोड में आप सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत है। चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बजा देना बिल्कुल ना भूले, ताकि हमारा लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन ऐसे ही आपको घर बैठे हर दिन मुफ्त मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों, आज कुछ हटके जान लेते हैं। तो दोस्तों, हमारे सामने जो शॉकिंग न्यूज और शॉकिंग रिपोर्ट निकल के आया है वो आया है ओकला स्पीड टेस्ट कंपनी के तरफ से, जिसे दोस्तों इधर मैं आपको बताऊंगा कौन है नंबर वन और उसके साथ साथ डाउनलोड और अपलोड स्पीड में भी कौन है नंबर वन और कौन रह गया सबसे पीछे। दोस्तों पहला न्यूज निकल के आया है वीआई यानी कि एयरटेल नहीं, वीआई यानी कि वोडाफोन आइडिया के तरफ से। हाँ दोस्तों, वोडाफोन आइडिया का ओकला स्पीड टेस्ट के मुताबिक वोडाफोन आइडिया का डाउनलोड स्पीड है 13.74 Mbps। हाँ दोस्तों, 13.74 Mbps और अपलोड स्पीड है 6.19 Mbps ओकला टेस्ट के मुताबिक। और दोस्तों ओकला के ही मुताबिक वोडाफोन आइडिया यानी कि वी ग्रुप इंडिया में नंबर वन पोजीशन में रैंक कर रहा है इंटरनेट स्पीड के मुताबिक। और खैर आप जानते हैं कि वोडाफोन आइडिया में गीगानेट इंट्रोड्यूस हुआ है। और दोस्तों सेकंड पोजीशन में है जियो, नहीं जियो चला गया लास्ट पोजीशन में। सेकंड पोजीशन में आ रहा है एयरटेल, एयरटेल का डाउनलोड स्पीड आ रहा है 13.58 Mbps और अपलोडिंग स्पीड आ रहा है 4.15 Mbps। हाँ दोस्तों, और लास्ट पोजीशन में चला गया है जियो, जियो का सबसे लोएस्ट स्पीड आ रहा है, डाउनलोड स्पीड है ओनली 9.71 Mbps, अपलोड स्पीड आ रहा है 3.41 Mbps। मतलब दोस्तों जियो सबसे घटिया है। हम पहले भी आपको शेयर किया था कि जियो जैसा घटिया कंपनी इंडिया में बिल्कुल नहीं है, जियो जो बताते हैं आखिर में उतना नहीं है। जियो के ट्राई के न्यूज के मुताबिक आप खैर जानते हैं कि जियो का स्पीड आ रहा था 19 Mbps, 20 Mbps, 21 Mbps, लेकिन मैं आपको हर एक बार बताया कि जियो का जो स्पीड आ रहा है ये बिल्कुल घटिया स्पीड है, टोटली मैनिपुलेट स्पीड है और मैनिपुलेट बात बता रहा है ट्राई। और दोस्तों आज ओकला के मुताबिक आप जान गए हो कि वोडाफोन आइडिया चला गया है नंबर वन पोजीशन में, एयरटेल चला गया नंबर टू पोजीशन में, जियो चला गया थर्ड पोजीशन में और गवर्नमेंट कंपनी बीएसएनएल रह गया फोर्थ पोजीशन में। तो दोस्तों अभी भी आप वोडाफोन आइडिया को इंट्रोड्यूस नहीं किया, वोडाफोन आइडिया को चेक नहीं किया तो आज ही जाके वोडाफोन आइडिया का सिम खरीद लेना और सिम खरीदने के बाद गीगानेट एक्सपीरियंस कर ही लेना, क्योंकि दोस्तों वोडाफोन आइडिया ओकला टेस्ट के मुताबिक अभी आ रहा है नंबर वन पोजिशन पे। और दोस्तों नेक्स्ट न्यूज हमारे सामने निकल के आता है स्मार्टफोन की तरफ से। हाँ दोस्तों, मोटो E7, हाँ दोस्तों मोटोरोला का E7 स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च होने ही चला है, जिधर दोस्तों आपको देखने के लिए मिल जाएगा एक मिड रेंज स्मार्टफोन है ये। और दोस्तों प्राइस भी है 10,000 के नीचे। इधर आपको देखने के लिए मिलेगा 4000 mAh का बिग बैटरी, उसके साथ साथ इन द बॉक्स आपको मिलेगा ईयरफोन। दोस्तों कभी दोस्तों कोई भी कंपनी अभी तो ईयरफोन नहीं दे रहे हैं, लेकिन मोटो E7 आपको देगा ईयरफोन। उसके साथ साथ दोस्तों बॉक्स में जो रहते हैं चार्जर, एक डेटा केबल वो तो रहेगा। उसके साथ साथ दोस्तों आपको देखने के लिए मिल जाएगा प्राइमरी कैमरा डुअल सेटअप में, जैसे दोस्तों 13 MP + 2 MP सेल्फी कैमरा आपको देखने के लिए मिल जाएगा ओनली
5 मेगापिक्सल और उसके साथ साथ दोस्तों तीन वेरिएंट में ये उपलब्ध होगा, जैसे दोस्तों 2GB 32GB, 3GB 64GB एंड 3GB 32GB। दोस्तों क्या आप मोटो का फोन यूज करना चाहोगे, मेंशन करके जरूर बता देना और ये भी बता देना कि वोडाफोन आइडिया खैर इंडिया में नंबर वन पोजिशन में है या एयरटेल है या जियो है, आपके कहने के मुताबिक और आपके बेस्ट रिसर्च के मुताबिक कौन अभी इंटरनेट का राजा है, मतलब इंटरनेट में नंबर वन पोजीशन में रैंक कर रहे हैं, मेंशन करके जरूर बता देना। बस दोस्तों आज के लिए इतना ही, उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आएगा। वीडियो पसंद आने पर प्लीज एक लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बजा देना बिल्कुल ना भूले। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद एंड वंदे मातरम।